फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कर आए हैं टैंग का ऑरेंज फ्लेवर का जूस की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लवली, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल को विद लवली में। दोस्तों, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं बना। तो हमें यहाँ पर चाहिए सबसे पहले टैंग का ऑरेंज फ्लेवर। वैसे आप चाहे कोई भी फ्लेवर ले सकते हो, पर आज मैं ऑरेंज फ्लेवर में बना रही हूँ तो ऑरेंज फ्लेवर ही चाहिए। उसके लिए यहाँ पर मैंने पैक लिया है, और ये जो है 30 रुपये का आता है, और इससे 1 लीटर है जो हमारा ऑरेंज जूस बनके तैयार हो जाएगा। तो अब हमें जो पाउडर है टैंग का ऑरेंज फ्लेवर का, वो हम एक पतीला लेते हैं, इसी में डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का पाउडर होता है। तो इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, जैसे मैंगो फ्लेवर का हुआ, ऑरेंज फ्लेवर का, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। और मैंगो फ्लेवर का मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप चाहे देख सकते जाकर। तो अब हमें यहाँ पर लेना है पानी। तो पानी मैंने अभी यहाँ पर लिया है 800 ml, और यहाँ पर जो 1 लीटर हमें पूरा पानी चाहिए, तो ये 800 ml मैंने यहाँ पर लिया है। और मैं आइस क्यूब डालूँगी, इसलिए अगर आप आइस क्यूब नहीं डालना चाहते हो तो आप पूरा 1 लीटर पानी ले लीजिए। और पानी हमारा एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पहले थोड़ा सा पानी डाल देना है, और अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। तो अब अच्छे से हमने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब हमें जो सारा पानी लिया है वो हम इसी में डाल देते हैं, फिर अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। तो अब हमें इसमें आइस क्यूब डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है 24 से 25 आइस क्यूब लेनी है, वो इसमें हमें डाल देनी है, अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए आप सर्व कर लेते हैं अपना ठंडा ठंडा जूस। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बनके तैयार है ठंडा ठंडा चिल्ड ऑरेंज फ्लेवर का जूस। फ्रेंड्स, यकीन मानिए पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग है। और तो अपने घर पर ये ज़रूर बनाइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज की रेसिपी यहीं पर समाप्त होती है। अगली अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।